तो गाइस कल हमारे आ गए हैं सोफे, और जो है मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट किया है iPhone 14, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और सोफे और आईफोन एक ही दिन आ गए हैं, तो ये देख सकते हैं सोफे हैं हमारे। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कैसे हैं, मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखा दिया था। तो इस टाइम जो मैं बना रही हूँ वीडियो, मैं बना रही हूँ अपने आईफोन से। तो अभी घर की थोड़ी सेटिंग करनी है, यहाँ पर हमने लगाया है ये। तो आज मुझे जाना था गर्ल्स हॉस्टल में, जो कि यहाँ पर आए हैं हमारे पिथौरागढ़ के जिला पंचायत दीपिका बोरा मैडम और महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रमिला बोरा जी, जिन्होंने ये करवाया है। तो मैं और जो है हमारी सुमन धामी जी, वो भी हम दोनों साथ में ही आए थे, और काफ़ी लोग हमारे साथ आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है सभी बच्चे अपना अपना जो है, ये गर्ल्स हॉस्टल है, तो सभी लड़कियाँ अपना नाम बता रही है और एड्रेस बता रही है कि वो कहाँ कहाँ से हैं, और ये इनकी समस्याओं को सुनने के लिए जो है, और इनके साथ आज हमारा दिन में लंच है इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो मैं घर से अचानक ही आ गई थी, तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा यहीं बना लेती हूँ, तो आप भी सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छी बातें यहाँ बताई जाती हैं। कोई ना कोई कार्यक्रम करते ही थी जाना, तो इस बार 14 तारीख को हमने अम्बेडकर जी की जयंती बनाई थी। तो उस दिन ना हमने सोचा कि आप लोग सब विद्यालय में होंगे, कोई कोचिंग गया होगा, तो आप लोगों से इस तरह से मिलना नहीं होता, तो संडे का दिन इससे अच्छा क्या हो सकता है, जिसमें आप सबकी उपस्थिति के कार्यक्रम तो आप ही लोगों के बीच में होना था। और हम जानते हैं कि अम्बेडकर जी एक दलित समाज से थे, और उनके ही दिशा निर्देशों पर, उनके आदर्शों पर चलते हुए हमारे समाज कल्याण विभाग की ओर से हर जिले में छात्रावास आप लोगों के लिए बनाया गया हमारी बेटियों के लिए। तो इस जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें इससे अच्छा अवसर क्या मिलता कि आप लोगों के बीच में आके आप लोगों की समस्याएं हम सुनते और उसका समाधान। तो जो भी वैसे तो आप लोग सब मुझे लगता है ठीक है, संतोषजनक स्थिति यहाँ की लग रही है। तो ये है हमारी सुमन दीदी। अभी हम आए थे, हम गए थे कहीं गर्ल्स हॉस्टल में ये जिला पंचायत दीपिका बोरा मैडम जी के साथ। तो मैं अभी आ गई हूँ वापस, हम लोग वापस आ गए थे, तो मैंने यहीं पे जूस पी लिया है। तो मैं आई हूँ सुमन दीदी के घर में, देखो बड़ा प्यारा घर है इनका भी। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगी अपने घर, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ आगे होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे, अदरवाइज़ मिल जाएंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा मुझे एडिट करनी पड़ेगी, तो मैं बाद में बात करूँगी आपसे। अब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बनी रहिए।